पूज्य सुखदेव कहते हैं राजन, जब प्रद्युम्न रति के साथ में आए द्वारिका, उससे पूर्व भगवान के 16,108 विवाह हो गए। पहला विवाह तो आप जानते ही हैं, रुक्मणी के साथ हुआ। दूसरा विवाह हुआ जाम्बवती से। आप कहोगे जाम्बवती से विवाह कैसे हो गया? ये जामवंत की पुत्री थी जाम्बवती। द्वारिका में एक राजा रहते थे जिनका नाम था सत्राजित। ये सत्राजित राजा भगवान सूर्य के उपासक थे। सत्राजित की सूर्य की उपासना बड़ी तीव्र थी। सूर्य भगवान प्रसन्न हुए तो इनको एक प्रसाद में, आशीर्वाद में एक मणि दे दी सत्राजित राजा को। अब वो सत्राजित राजा ने जब मणि दी तो वो मणि, सत्राजित राजा को मणि लेकर के घर पे आए तो वो मणि बड़ी चमकती थी, दिव्य प्रकाश था सूर्य के जैसा। जैसे सूर्य के सामने कोई टिक नहीं सकता, उसी प्रकार से उस मणि के सामने कोई टिक नहीं सकता था, दिव्य प्रकाश था। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण यदुवंशु के साथ में सभा में बैठे हुए थे, क्योंकि भगवान कभी कभी अपनी प्रजा को उपदेश भी दिया करते थे। सभी यदुवंशी बैठे हुए थे तो मंत्र निमंत्रण गया सत्राजित राजा के पास में भी। तो सत्राजित राजा उस मणि को बांध करके लाए गले में, गले में पहन करके आए, जैसा मैं हार पहना दिया सुंदर सा, बढ़िया सा चमक रहा है हीरे की तरह। ऐसे ही वो मणि चमक रही थी तो दिव्य प्रकाश हो रहा था आगे, जैसे गाड़ी के सामने हेडलाइट जलती है। भगवान कृष्ण ने कहा यदुवंशों से, कहीं लगता है कि आज हमारी सभा में साक्षात सूर्य नारायण शायद उतर के आ गए। यदुवंशी मंत्री बोले कि नहीं प्रभु, ये सत्राजित राजा है और इस सूर्य भगवान का बड़ा भक्त है, सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के इसको ये मणि प्रदान की है। और उस मणि की खासियत थी, जितनी उस मणि की पूजा होती थी उतना ही वो स्वर्ण उगलती थी। और वो सत्राजित राजा उस स्वर्ण को पा करके बड़ा भारी पैसे वाला बन गया, बड़ा सेठ था। अब जिसके घर में मणि 2.5 क्विंटल सोना रोज प्रदान करे उनका क्या हाल होगा, कितने धनवान होंगे। भगवान कृष्ण को पता लगा कि मणि तो स्वर्ण उगलती है, ये तो बड़ी काम की है। सत्राजित राजा जब बैठा सभा में, आसन दिया, समाचार पूछा, तो भगवान ने प्रश्न कर दिया सत्राजित से कि राजा, कि आपकी ये मणि का दिव्य प्रभाव देख करके मेरे मन में आता है कि भाई मैं द्वारिका का राजा हूं, मेरे साथ में प्रजा है, प्रजा का पालन पोषण करता हूं, मेरे कोष से धन लगता है प्रजा को पालन करने के लिए, अगर आपको बुरा ना लगे, आपकी स्वेच्छा हो तो इस मणि को आप मुझे दे दीजिए, मैं अपने राजकोष में जमा कर दूंगा, इसकी पूजा होती रहेगी, स्वर्ण निकलता रहेगा, उस सोने से प्रजा का पालन पोषण होगा। सत्राजित राजा ने कहा कि नहीं, मेरे गुरुदेव का दिया हुआ प्रसाद है, इष्ट का मैं नहीं दे सकता। तो भगवान कृष्ण ने कहा तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपसे केवल निवेदन किया गया था। सभा समाप्त तो ही सब अपने अपने घर को चले गए। सत्राजित राजा भी आए, उस मणि को उतार करके मंदिर में रख दिया। सत्राजित का ही भाई था एक, जिसका नाम था प्रसेन। ये प्रसेन राजा उस मणि को अपने गले में बांध करके घोड़े पर सवार होकर के आखेट के लिए चला गया शिकार खेलने जंगल में, वन में। अब वन्य पशु, वन का जो राजा है वह शेर,
उस वन के राजा शेर ने देखा ये मणि का ये दिव्य प्रकाश कहां से आ रहा है। उस शेर ने झपट्टा मारा और उस मणि को मुख में ले लिया और प्रसन्न को मार दिया, घोड़ा भी मर गया। उस मणि को मुख में लेकर के वो शेर उस जंगल में आगे भागा जा रहा था खिलौना समझ करके। अब आगे रास्ते में जामवंत की जहां कुटिया थी वहां वो पहुंच गया। जामवंत ने देखा ये कुटिया में, कुटिया के सामने ये दिव्य प्रकाश कैसा। जामवंत ने देखा कि शेर उस मणि को लेकर के मुख में रख करके भागा जा रहा था। जामवंत ने शेर पर हपट्टा किया और शेर मर गया, उस मणि को जामवंत ने ले लिया। जामवंत उस मणि को लेकर के अपने गुफा में आए, कुटिया में, कुटिया में अपनी पुत्री को खेलने के लिए उस मणि को दे दिया। अब प्रातः काल द्वारकापुरी में हल्ला हो गया। सत्राजित राजा ने भगवान कृष्ण के ऊपर कलंक लगा दिया कि कृष्ण ने मेरी मणि को चुरवा लिया। मेरी मणि के ऊपर नियत थी। तो बात उड़ते उड़ती भगवान कृष्ण के कानों में पहुंची तो भगवान कृष्ण गर्गाचार्य मुनि के पास गए। गुरुदेव, ये मैं क्या सुन रहा हूं, मेरे भाग्य में क्या लिख गया? ये मैंने मणि के सिर पर चर्चा तो करी लेकिन मैंने चुरवाई नहीं है, मुझे कलंक कैसे लग गया? तो गर्गाचार्य मुनि ने ध्यान करके बताया कि श्री कृष्ण, आपने गलती से चौथ के चंद्रमा का दर्शन कर लिया है जिसे कहते हैं कलंक चौथ। भादों के शुक्ल पक्ष का जो चतुर्थी आती है उस चतुर्थी को आपने चंद्रमा देख लिया और उस दिन आदमी प्रयास न करे तब भी दिख जाता है, ऐसा होता है। पता होता है सुबह ध्यान रहेगा कि हम चंद्रमा का दर्शन नहीं करेंगे, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो वो चंद्रमा पर नजर पड़ी जाती है अचानक अनायास। कलंक चतुर्थी का चंद्रमा का दर्शन कर लिया, इसलिए आपको झूठा कलंक लग गया है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे तो गुरुदेव, अब इसका निवारण क्या है, क्या करें? भगवान कृष्ण ने कहा आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में झूठा कलंक लगाने वाले बहुत बैठे हैं, किस किस से बचोगे? आप प्रयास करिए, आपके प्रयास से वो मणि मिलेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। गुरु का और गौ का आशीर्वाद जिसके जीवन में मिल जाए उसके जीवन में कोई कलंक नहीं रहता, न कोई टिकता है, सारे कलंक मिट जाते हैं। इसलिए गुरुजी के शरण में रहा करो, गौ की सेवा करते रहा करो। भगवान कृष्ण आए गुरुदेव को प्रणाम करके, कुछ यदवंशों को, सात पांचों को बगल में साथ में लिया और निकल गए वन की ओर। जब वन की ओर निकले तो रास्ते में ढूंढते 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 सत्राजित का भाई प्रसेन और साथ में जो घोड़ा था वह मरा पड़ा है। वहां से जब आगे देखे तो प्रसेन और घोड़े के साथ साथ ही जो चिन्ह बने थे वो शेर के पैरों के चिन्ह पदचिन्ह बने थे। उन पदचिन्हों को देखते 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 पहुंच गए जहां शेर मरा पड़ा था। शेर जहां मरा पड़ा था वहां से जामवंत की पदचिन्हों को देखते 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 वहां पहुंच गए जहां जामवंत की कुटिया थी। भगवान ने यदुवंशियों से कहा जो सात पांच गए थे कि आप कुटिया के बाहर ही रुकिए, मैं जरा कुटिया में देख करके आऊं कि यहां कौन रहता है। जैसे ही भगवान कृष्ण ने वहां प्रवेश किया तो वहां जामवती उस मणि से खेल रही थी।
उस मणि को भगवान ने लेना चाहा तो रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर कि जामवंत जी बाहर आए और डांट करके बोले, कृष्ण से तू कौन है, मेरी कुटिया में, मेरे घर में बिना आज्ञा के प्रवेश कैसे किया? मैं भी सोच रहा था कोई योद्धा मुझे मिल जाए, मेरी बाहों में बड़ी खुजली हो रही है और आप तुम यहां से ऐसे नहीं जा सकते बिना युद्ध के। जामवंत ने कहा, आप मेरे से युद्ध करके जाइए। भगवान कृष्ण बोले, हम तो भाई योद्धा नहीं है, हम तो मणि खो गई थी, उस मणि को ढूंढने के लिए आए हैं, तो यहां मिली तो इसलिए हम मणि को लेके जाएंगे। जामवंत ने कहा, इस मणि तो आपको हम दे देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन बिना युद्ध के नहीं देंगे, युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध के लिए जामवंत ने कहा कि मेरे राघव ने कहा था, तेरी कुटिया में कोई आकर के तेरी भुजाओं का बल ढीला करेगा, आज मुझे लगता है आपके रूप को, आपके बल को देख करके शायद कोई आप मेरे इष्ट राम ही तो नहीं। जामवंत की उस कामना को पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने राम रूप का दर्शन जामवंत को उस कुटिया में करवाया। युद्ध मल्लयुद्ध हुआ, मल्लयुद्ध करते 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 जामवंत की नस नस ढीली हो गई थी। राम रूप का दर्शन करके जामवंत बड़ो प्रसन्न हुए। यहां राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु ऐसा विधान क्यों हुआ? मणि खोई, कृष्ण वहां गए, जामवंत के साथ युद्ध हुआ, ये कारण क्या है? आदरणीय सुखदेव कहते हैं, राजन जब भगवान श्री राम रावण को मार करके आ रहे थे तो राम जी सभी बानर भालू आदि सेना को कुछ ना कुछ बांट रहे थे, वस्त्र अलंकार आदि, जिसने जो मांगा राम जी ने दिया। जब जामवंत की बारी आई तो जामवंत से कहा, क्या चाहिए बोलो, आपको सोना चाहिए, चांदी चाहिए, वस्त्र चाहिए, अलंकार चाहिए, क्या चाहिए? जामवंत ने कहा, प्रभु मैं आपके साथ रावण के पास युद्ध करने भी आया, मेरी भुजाओं में बड़ा बल था, लेकिन रावण के यहां भी मेरे जैसा बलवान योद्धा मुझे नहीं मिला, मेरी इच्छा तो युद्ध करने की है, मेरी एक कामना है कोई मेरे साथ युद्ध करे, और प्रभु मेरी इच्छा है कि मेरे समान तो बल केवल आप में ही है, अगर आपकी स्वेच्छा हो तो जरा दो दो हाथ आपसे ही हो जाएं। जामवंत ने राम जी से कहा, राम जी ने कहा, जामवंत जी सेवक और स्वामी का युद्ध शोभा तो नहीं देता, लेकिन द्वारपर में जब मैं कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा तब तुम्हारी इस कामना को मैं जरूर पूरी करूंगा, तब तक आप प्रतीक्षा करिए। जब राम रूप में दर्शन जामवंत ने किया तो उनको याद आ गया कि मेरे राघव ने ही कहा था तुम्हारी कामना को पूरी मैं अवश्य करूंगा, आज मैं कृतार्थ हो गया, प्रभु धन्य हो गया आपका दर्शन पाकर, और मेरी भुजाओं का जो बल ढीला हो गया है अब मेरे मन में कभी युद्ध की कामना नहीं हो सकती। त्रेता से लेकर के द्वापर तक इंतजार किया जामवंत ने राम जी से युद्ध करने के लिए। जामवंत ने कहा, प्रभु मेरी जीने की इच्छा केवल यहीं तक थी, आज मेरी ये कामना पूरी हो गई है, मेरी ये पुत्री जामवती है इसको भी आप ले जाइए, और साथ में दहेज के रूप में इस मणि को भी आप ले जाइए।
सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।